तो जो बेस्ट पोजीशन रहती है स्टीयरिंग होल्ड करने के लिए, और कई लोग सिंगल हैंड स्टीयरिंग होल्ड करके भी गाड़ी ड्राइव करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्टीयरिंग होल्ड करने का सही तरीका क्या है, बिकॉज न्यू ड्राइवर्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक में कि हमें किस पोजीशन से स्टीयरिंग को होल्ड करना चाहिए। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हो, ये हमारा स्टीयरिंग है। कई कार्स में पूरा राउंड स्टीयरिंग आपको मिलता है और कई कार्स में आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए स्टीयरिंग को कंट्रोल करने की या होल्ड करने की। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं एंड चलाते चलाते डिस्कस करते हैं इस पर। तो गाइस, जैसे मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ड्राइविंग करते करते मुझे अराउंड 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, और जनरली जो मैंने फेस किया था या जो मैंने देखा है, मैं उसके बेसिस पे आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो नॉर्मली यार, जब भी आप स्टीयरिंग होल्ड करते हो, जब भी, या कोई नया ड्राइवर होता है जब भी वो कार चलाना सीखता है, तो जो बेस्ट पोजीशन रहती है स्टीयरिंग होल्ड करने के लिए वो आपकी रहती है 9/3 की। 9/3 जो मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ वो ये पोजीशन है, और ये पोजीशन क्लॉकवाइज के हिसाब से, जैसे 9 और 3, तो इस हिसाब से 9/3 की जो पोजीशन मानी जाती है वो नए ड्राइवर्स के लिए अच्छी पोजीशन मानी जाती है, बिकॉज इस पोजीशन पे आपका ज़्यादा कंट्रोल होता है स्टीयरिंग के ऊपर, और आप ज़्यादा कंट्रोल के साथ स्टीयरिंग होल्ड कर पाते हो और ज़्यादा कंट्रोल के साथ अपनी कार को मूवमेंट दे पाते हो इस पोजीशन से। अब बात की जाए क्या करेक्ट पोजीशन है, तो यार ऐसा कोई करेक्ट पोजीशन नहीं है। आप जिस पोजीशन पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, या जिस पोजीशन से आपको लग रहा है कि हाँ इस पोजीशन पे मेरा ज़्यादा कंफर्ट आ रहा है और मैं ज़्यादा कंट्रोल में हूँ कार के, तो वो पोजीशन आपके लिए सही है। कई लोग जो कार है उसको 10/2 की पोजीशन पे भी होल्ड करते हैं, और कई लोग सिंगल हैंड स्टीयरिंग होल्ड करके भी गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, आपकी स्टीयरिंग होल्ड करने की पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे आपने जिस पोजीशन से गाड़ी चलाना शुरू किया है, स्टार्ट किया है, जिस पोजीशन से सीखा है, आप उसी पोजीशन पे हमेशा गाड़ी चलाएं, उसी पोजीशन पे स्टीयरिंग को होल्ड करके गाड़ी चलाएं। तो स्टीयरिंग होल्ड करने की पोजीशन आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो ऐसा कोई करेक्ट या कोई सही पोजीशन नहीं होती स्टीयरिंग होल्ड करने की। डिपेंड करता है आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया और आप किस पोजीशन पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मैं नॉर्मली अपनी बात करूँ तो मैं सिंगल हैंड स्टीयरिंग होल्ड करके भी ड्राइव करता हूँ, और मेरे को जब लगता है, फील होता है कि मुझे यहाँ पे ज़रूरत है दोनों हाथ से पकड़ने की, तो मैं उस समय नॉर्मली इस पोजीशन पे, दैट इज़ योर 10/2 वाले पोजीशन पे ड्राइव करता हूँ होल्ड करके स्टीयरिंग। तो ये कोई करेक्ट पोजीशन नहीं रहती स्टीयरिंग के लिए, कोई सी भी ऐसी कोई पोजीशन डिफाइन नहीं है कि इस पोजीशन पे पकड़ना चाहिए। बट हाँ, अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो आपके लिए जो बेस्ट पोजीशन मानी जाती है वो मानी जाती है आपका 9/3, बिकॉज इस पोजीशन से जो आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। आपकी जो मूवमेंट है स्टीयरिंग की, आप इस पोजीशन पे ज़्यादा मूवमेंट दे सकते हो स्टीयरिंग को। तो नए ड्राइवर्स के लिए ये पोजीशन बेस्ट मानी जाती है, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा कार के ऊपर, वैसे वैसे आपकी पोजीशन भी चेंज होती रहेगी स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग जब भी आप गाइस होल्ड करो, तो स्टीयरिंग को होल्ड करते समय ध्यान रखो कि स्टीयरिंग आप थोड़ा लूज होल्ड मत करो कभी, बिकॉज स्टीयरिंग कभी भी हाथ से स्लिप होगा तो आपका वो कंट्रोल हो जाएगा गाड़ी के ऊपर से। तो स्टीयरिंग हमेशा जब भी होल्ड करना है तो हमेशा एक फर्म ग्रिप रखनी है, इतना होल्ड करना है कि वो आपके हाथ से स्लिप ना हो, बिकॉज इस स्टीयरिंग के ऊपर काफ़ी कंट्रोल, जो आपकी गाड़ी चलती है तो पूरा कंट्रोल स्टीयरिंग के ऊपर रहता है, तो आपको स्टीयरिंग पे अच्छी ग्रिप बनाना ज़रूरी है। तो आपकी ग्रिप इतनी होनी चाहिए कि आपके हाथ से आपका स्टीयरिंग स्लिप ना करे, और इतना ज़्यादा टाइट भी आपको होल्ड नहीं करना। तो एक अच्छी ग्रिप बना के आपको स्टीयरिंग को पकड़ना है। पोजिशन का जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कोई करेक्ट पोजीशन नहीं होती है। करेक्ट पोजीशन जिस पोजीशन पे आप कंफर्टेबल हो, आप वो पोजीशन पे गाड़ी स्टीयरिंग होल्ड कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप इनिशियल ड्राइवर हो, आप नए ड्राइवर्स हो, तो बेटर रहेगा कि आप 9/3 की पोजीशन से स्टीयरिंग होल्ड करना सीखें, और धीरे धीरे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, आपकी पोजीशंस भी, आप अलग अलग पोजीशंस में कंफर्टेबल होने लग जाओगे। तो इट्स डिपेंड अप कि आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है, उस हिसाब से आपकी पोजीशंस स्टीयरिंग की चेंज होती रहेगी।
तो इतनी कोई बड़ी कोई फाइट नहीं है गाइस, स्टेयरिंग को लेके ज्यादा हमें नर्वस होने की या ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है। हमें जो स्टेयरिंग है या इवन ड्राइविंग, या ड्राइविंग मैं बोलूँ तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस का काम है, एक्सपीरियंस की चीज़ है। आप जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते रहते हो आपकी ड्राइविंग और अच्छी होती रहती है। जैसे जैसे आप डिफरेंट ड्राइविंग कंडीशंस पे चलाते हो वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है और उस हिसाब से आपकी ड्राइविंग स्किल्स अपने आप इम्प्रूव होने लग जाती है। तो नए ड्राइवर्स ज़्यादा घबराए ना स्टेयरिंग को लेके। स्टेयरिंग की पोजीशंस हमने इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो गाड़ी चलाना तो आप 9/3 की पोजीशन से स्टेयरिंग होल्ड कीजिए, बिकॉज इस पोजीशन पे आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा और ज़्यादा आप मूवमेंट कर पाओगे स्टेयरिंग की। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आप वैसे वैसे अपने स्टेयरिंग की पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। तो गाइज ये वीडियो बहुत शॉर्ट बना रहा हूँ, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी या कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करूँ और आपको क्वेरीज कमेंट सेक्शन में या फिर कोई सेपरेट वीडियो में कवर कर लें जो भी आपकी क्वेरीज से कंसर्न है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।